से कोई लगातार वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। सो गाइस सीन कुछ ऐसा हो गया कि भैंस बोल रही है हम है, ये हमारी टोली और यहाँ पे लड़ाई हो रही है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बेसिकली मैंने 2 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। देखो ऐसा नहीं बात है कि मैं उतना फ्री रहता हूँ, मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ यार। लॉकडाउन में थोड़ी तो बिजी रहनी पड़ती है, तो पसीना छूट रहा है, देखो इतना बिजी रहता हूँ। तो जो भी हो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मुझे जाना है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक जगह, और वहाँ पे थोड़ा काम है। तो बेसिकली मैं कोई व्हीकल्स या कोई भी टुकटुकी या फिर कोई भी साइकिल को यूज नहीं कर रहा हूँ, जाने वाला हूँ पैदल, बिकॉज द रीजन कोरोना वायरस। लगता ही है पागल हो गया। बस में नीचे ट्रैवल करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन कहाँ जाने वाला, क्या करने वाला वो तो नहीं बताऊंगा, बिकॉज द रीजन सस्पेंस तो क्रिएट होगा नहीं और आप लोग वीडियो देखोगे नहीं, वरना आप लोग जाकर स्क्रॉल करोगे फटाक से, नीचे से जो कोई भी वीडियो मिलेगा अच्छा वाला क्लिक कर दोगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अभी तक हमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग यदि अच्छा लगता है वीडियो तभी सब्सक्राइब करो, वरना सब्सक्राइब करके कोई फायदा नहीं है गाइस, मैं बहुत बकवास इंसान हूँ। तो ओके, तो आप लोग अच्छा लगे तभी गाइस सब्सक्राइब करो। तो चलो बकवास बहुत कर दिया, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस काला काला चेहरा काले पे और क्या हो फीलिंग इसके ऊंचा सी हो रहा है। तो चलते हैं हम पैदल पैदल, मैं स्लीपर्स को बैक कैमरा दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस मैं ब्लैक्स अपने स्लीपर्स पे हूँ, और ये देखो नज़ारा कैसा लग रहा है धूप में, ऊपर से देखो धूप धूप देखो कितना ज़्यादा धूप है। चलो चलते हैं, टाइम लैप्स करते हैं। तो गाइस सीन कुछ ऐसा हो गया कि जैसे मैं पैदल जा रहा था तो मेरे एक अच्छे से दोस्त जो अरूप है वो मुझे मिल गया, उसके मतलब जैसे कुलगोड़ा मोड़ में वो, ठीक है। तो उसको मैंने पिकअप किया, बोलने वाले चलो मैं भी चलता साथ में, तो उसको भी लेते हुए हम लोग सैनिटाइजर वगैरह सब चीज़ लेते हुए, मास्क भी है लेकिन मैंने खोल दिया बिकॉज द रीज़न बहुत पसीने से मेरा हालत देखो पूरा डल जा रहा, बहुत कुछ हो गया। तो चलो चलते हैं अपना डेस्टिनेशन तक, मैं जा रहा हूँ लालपुर, ये रांची वाला लालपुर नहीं है, ये पुरलिया वाला लालपुर। तो चलो देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। तो चलो ना, अब मैं मोटर ब्लॉग नहीं लग रहा, ब्लॉग भी नहीं हो रहा, अब साइकिल ब्लॉग होने वाला है। तो देखो एंड तक, ठीक है ना। तो बेसिकली ये दो बंदर है, ठीक है, ये लोग मेरे को लेने आए, भाई ये दोनों छोटे छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं, लोग मेरे को पिकअप करने आए। बेसिकली मैं यहाँ से निकले कुलगड़ा मोड़ में हूँ, और यहाँ से नज़ारा देख सकते हो बहुत, अभी पानी गिरने वाला है, उसी तरह का मोमेंट है। तो बस थोड़ा सा हम लोग रुके हैं, अरूप है और अरूप के साथ एक छोटा सा भाई, दोनों लोग मेरे छोटे भाई हैं। तो चलो घर चलते हैं ना। कब तक होश संभाले
बेसिकली गाइस नहा के रेडी हो चुका हूँ एंड हुआ क्या कि घर पहुँचना है उसके बाद फिर नहाना है डायरेक्ट बिकॉज द रीज़न विदाउट नहाने के बाद घर पे एंट्री नहीं होती हमारी, तो डायरेक्ट मैं पीछे पीछे यार घर के मैं नहा लिया हूँ। चलते हैं क्या आप कुछ बनाए खाते हैं उसके बाद आफ्टर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं ना। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो गाइस अभी का सीन्स को जैसा होने वाला है बेसिकली अभी हो चुकी है शाम और मैं तो हो गया कि नहाने के बाद खाने के बाद डायरेक्ट अपन सो गया कि अपन सोने के बाद उठा और मैंने सोचा व्लॉग में आप लोग वेट कर रहे होगा तो आप लोगों के पास आना जरूरी है। तो बेसिकली आज मैं गया था ना वो कोरोना से मिलने गया था, तो मिल के आ गया हूँ। सीरियसली मैं कोरोना से मिलने नहीं गया था, शायद कोरोना से बचने के लिए मैंने क्या किया था पता है, मैं अपनी ही तरफ से मैंने बाइक ही नहीं कोई भी नहीं साइकिल से मैं राइड करके गया, आई मीन पैदल गया। उसके बाद फिर अरूप आ गया, जो अरूप टेक्टिव है वो मिल गया और उसके साथ में गया। पता है अरूप ना सच बता दूं मतलब वो बंदा बहुत क्रेजी टाइप का है, तो वो मतलब नया सेलफोन लेने वाला है, तो दैट रीजन उसकी पार्टी हो गई हमारे साथ, तो हम लोग अब हो गया वापस लौटे और उसके बाद फिर सीन अभी का है। अभी शाम हो रही है और अभी शाम को आप लोग से मिलना जरूरी था, तो हुआ क्या पता देखते हैं चलो कि मम्मी क्या कर रही घर पे, क्योंकि मम्मी को तो मैं अभी तक मिला नहीं हूँ, कहाँ है मम्मी, सो गई या कर रही। सो गाइस बेसिकली मम्मी ये देखो साफ़ सफाई कर रही थी, या हम और मेरा जो छोटा भाई है अनुभव वो हम लोग दोनों मिलके इसको पूरे तरीके से कोड़े कल्टीवेट किए, उसके बाद मम्मी इसको साफ़ सफाई की बिकॉज द रीज़न बहुत इसमें घास फूस होता है उसको क्लियर की। और ये पेड़ गिर गया पता है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ये हुआ था ना वो मतलब बरसात में थोड़ा आंधी वानी आया था तो उसमें गिर गया था, वो भी देखो नीचे पे वो भी हम लोग का ही है प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर भी गिर गया। तो ये जगह अपना सीन मम्मी यही कर रही थी, अभी भी कर ही रही मॉम, बादल भी साफ है वगैरह वगैरह और क्या। चलो आज के लिए और क्या, बैक कैमरा घुमाते हैं और आप लोग से बात करते हैं। भैंस है, अब दोनों भैंसों में लड़ाई हो रही है, यह हम भैंस बोल रही है हम है ये हमारी टोली और यहाँ पे लड़ाई हो रही है। क्या सीन, मस्त सीन है। लेकिन देखो ये मेरे बाड़ी से पीछे का सीन है, वो देखो मेरा बाड़ी है, ये टोटल यहाँ से ऊपर तक देख रहे हो वो मेरा घर है और वहाँ से नीचे तक मेरा बाड़ी है टोटल, ये थोड़ा बंजर है और यहाँ भैंस है। सीन कुछ मस्त सा सीन आता नहीं, गुड लुकिंग। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करना, तब तक वेट कराऊंगा नहीं ज़्यादा, जल्दी आ जाएगा। तो हो गया आज के लिए बस इतना, बाय बाय।